देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हम दोनों के दाहिने हाथ तो बंधे हुए हैं, हम लिखेंगे कैसे? तालमेल का बहुत शौक है ना तुम दोनों को, तो बिठाओ तालमेल और लिखो। याद रखना सिर्फ आधे घंटे का समय है और कोई गलती नहीं चाहिए मुझे। कैसे लिखे? यहाँ से ट्राई करती हूँ। जल्दी करो, समय बीत रहा है और रात भर में प्रसाद भी बनाना है। प्रियू के स्टेंसिल ने बचा लिया भाभी। प्रियू के स्टेंसिल ने नहीं, तुम्हारे आइडिया ने बचा लिया रुचिता। देखा ना बुआ सा, एक स्मार्ट वाइफ पसंद की है मैं। प्रसाद में पूरी, छोले, हलवा और मक्खन, और सुबह 5:30 बजे आरती से पहले भोग लगाना है। रुचिता, इतना सारा सामान है, समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। भाभी पहले मक्खन बना लेते हैं। रुचिता दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को चोट पहुँचवाओगी। नहीं नहीं आजी, ये मेरे और भाभी के रिश्ते का टेस्ट है, ये हमें ही करने दीजिए प्लीज। हम हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम हवा तो कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, अभी सिर्फ आटा सना है, पूड़ियाँ तलनी है, अभी उसके बाद सब्जी भी बनानी है, कितना कम समय। जी माँ, बस पहले सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद पूड़ियाँ तलेंगे हम। जल्दी करो। जी तुम दोनों ठीक हो ना? रुचिता ने बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। अरे कोई भी काम बिना विघन के नहीं कर सकती तुम। पूजा के काम में इतना अपशगुन कर दिया। वैसा भाभी और रुचिता के साथ अभी इतना बड़ा हादसा होते होते बचा और आपको अभी भी अपशगुन की पड़ी। सॉरी वैसा, लेकिन बहुत हो गया। लेकिन पूजा का भोग तो पूरा बनाना पड़ेगा ना। निहार जी, बस 5 मिनट ही बचे हैं और प्रसाद से अधूरा नहीं छोड़ते आप। हम बिल्कुल ठीक है, हम कर लेंगे अभी। प्रतीक जी मैं ठीक हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन हम दोनों ये रहेंगे। लड़कियाँ खुद से कुछ नहीं कर सकती, उन्हें लड़कों का सहारा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है बुआ सा, अगर लड़कियों को आज मौका दिया जाए ना तो वो लड़कों से बहुत आगे निकलने की हिम्मत रखती। ऐसा है तो चल, दिया तुझे मौका। आज रात माता की चौकी पर जितने भी कन्याएं आएंगी उन सबको चांदी की पायल तू अपनी कमाई से पहनाएगी, और याद रहे तू वही पैसे इस्तेमाल करेगी जो आज के दिन कमाएगी। पहले के बचे हुए पैसे या गहने वहने बेचकर नहीं लाएगी। पर बुआ साहब, चांदी की पायलें तो 20,000 से नीचे नहीं आएंगी, वो तो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? हाँ तो इसी ने तो कहा ना कि मौका मिले तो सब कुछ कर लेगी, तो दिया मौका। लेकिन बुआ साहब, पूजा में तो सिर्फ 7 घंटे बचे। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, इसने मौका मांगा मैंने दिया, बाकी इसकी मर्जी। वो लड़की मंजूर है? मंजूर तो तय रहा। बुआ साहब की शर्त तो मान ली मैंने, लेकिन इतने कम समय में 20,000 लाऊं कहां से? समझ नहीं आ रहा। ये लो रुचिता, इसे पायल खरीद कर कन्याओं को पहना देना, तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा और बुआसा की सोच भी बदल जाएगी। निहार जी मतलब आपको लगता है मैं 20,000 नहीं कमा सकती? चिता बात काबिलियत की नहीं है, बात वक्त की है। निहार जी प्लीज, मुझे हारने से पहले मत हराइए, कोशिश तो करने दीजिए। मुझे बुआ सा की सोच बदलनी, साबित करना है उन लड़कियों को जिन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता है। निहार जी आप बस प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी मेरी मदद करें।